सो गाइस, अगर आपका फेसबुक अकाउंट कुछ इस तरह से लॉक हो गया और आपका अकाउंट को अनलॉक करने के लिए कुछ इस तरह से एंटर योर डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपको अपने फेसबुक लॉक अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है और अपने अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ पता भी नहीं चल रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इन केस में आपको क्या करना होगा और वीडियो का एंड में बताऊँगा कि कैसे आप फेसबुक लॉक अकाउंट का ऑप्शन चेंज कर सकते हो या फिर आप फेसबुक लॉक अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ कैसे पता कर सकते हो। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको अकाउंट दिखाया, तो गाइस आप लोग मेरा इस अकाउंट को देख लीजिए, ये मेरा एक सब्सक्राइबर का अकाउंट है और यहाँ पर गाइस देख सकते हो अकाउंट लॉक हुआ था 21 अगस्त को। और जैसे मैं यहाँ पर अकाउंट को अनलॉक करने के लिए गेट स्टार्टेड में क्लिक करके नेक्स्ट में क्लिक कर दो तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए अभी दो ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरह से गेट ए कोड ऑन योर फोन वाला ऑप्शन आ रहा है और सेकेंड एंटर योर डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उस बैग के पास उसका नंबर भी नहीं है और ऊपर से उसका अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ भी मालूम नहीं है। तो इन केस में ऐसे में क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ। तो भाई देखो, अगर आपको अपने अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो आपको सिंपली यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करके आपको पता होगा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद आपका अकाउंट कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन उसका अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ उसको मालूम नहीं है। तो भाई देखो, सबसे पहले अगर आपको अपने अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है तो इन केस में आप फेसबुक लॉक अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ को पता करने का कोशिश करना होगा। सो अगर आपको पता नहीं कि फेसबुक लॉक अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ आप कैसे पता कर सकते हो, सो इस टॉपिक पर मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, तो आपको सिंपली मेरे चैनल में जाके आपको इस वाला वीडियो को देख लेना होगा। चैनल में जाके सिंपली आपको इस वाला वीडियो को देख लेना होगा, सिंपली 2 वीक पहले वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताया था कि कैसे आप फेसबुक लॉक अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ पता कर सकते हो, तो आप इस वीडियो को देख के कोशिश कर लेना होगा। अगर आपको अपने अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ पता नहीं चलता तो ऐसे में भाई एक और तरीका है, आपको ऐसे में करना क्या होगा, आपको सिंपली यहाँ पर आके एंटर योर डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करना होगा। भाई देखो, अगर आपके अकाउंट को ओपन करने के लिए कुछ इस तरह से डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है और आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और डेट ऑफ बर्थ पता भी नहीं चलता, तो इन केस में भाई देखो आपको डेट ऑफ बर्थ से अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। तो आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर कोई और ऑप्शन लेना होगा, जैसे गेट ए कोड बाय ईमेल या फिर आपके पास कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर आके सबसे पहले अपने अकाउंट का लॉक अकाउंट का ऑप्शन चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर आगे सिंपली आपके पास जो भी ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके अकाउंट को ओपन करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है और आप कन्फर्म योर आइडेंटिटी से ऑप्शन चेंज करना चाहते हो, तो भाई देखो इस टॉपिक पर भी मैंने अपने चैनल में कुछ वीडियो अपलोड किया था, सिंपली आप मेरे चैनल में जाकर इस वाला वीडियो को देख सकते हो। कन्फर्म योर आइडेंटिटी से ऑप्शन कैसे चेंज कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताया था और आप चाहो तो इस वाला वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है तो आप कुछ इस ट्रिक से अपने अकाउंट का ऑप्शन चेंज कर सकते हो। सो अगर अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर एंटर योर डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है, आप अपने अकाउंट का ऑप्शन चेंज करना चाहते हो, तो देखो ऐसे में आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आके सिंपली आपको एंटर योर डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करना होगा। क्लिक करके सिंपली आपको यहाँ पर आके मतलब जो रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप कर लेना होगा, अपने हिसाब से जो भी डेट ऑफ बर्थ आप देना चाहते हो इस डेट ऑफ बर्थ को कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइप कर लेना होगा। कुछ इस तरह से 8 से 10 बार आपको रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइप कर लेना होगा। कुछ इस तरह से 8 से 10 बार रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद आपके पास वो ऑप्शन कुछ इस तरह से यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ इस तरह से कोई और भी ऑप्शन आ रहा है तो आपको यहाँ पर भी कुछ इस तरह से क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करके सिंपली आपको यहाँ पर गेट कोड में क्लिक कर लेना होगा। तो गेट कोड में कुछ इस तरह से यहाँ पर क्लिक करके आपको कुछ इस तरह से गलत OTP टाइप करके सिंपली आपको सबमिट में क्लिक कर लेना होगा। तो आपको कुछ इस तरह से 2 से 4 बार कुछ इस तरह से सबमिट में क्लिक कर लेना होगा। देन आपके अकाउंट से 2 ऑप्शन कुछ इस तरह से यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। सो अभी आपका अकाउंट से दोनों ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको वेट करना होगा। ऐसे में आपको करना क्या होगा, यहाँ पर हेल्प में क्लिक करके सबसे पहले तो अपने अकाउंट को लॉग आउट कर लेना होगा। लॉग आउट करके अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लेना होगा। उससे पहले आपको करना क्या होगा, कोई भी एक ब्राउज़र में अपने अकाउंट सेम अकाउंट लॉगिन करके सिंपली आपको यहाँ पर आके सिंपली टाइप कर लेना होगा। यहाँ पर आपको कन्फर्म योर आइडेंटिटी फेसबुक लेके टाइप कर लेना होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ इस तरह से कन्फर्म योर आइडेंटिटी फेसबुक लेके टाइप करके कन्फर्म योर आइडेंटिटी में क्लिक करके अपना आईडी कार्ड सबमिट करना होगा। आपको सिंपली यहाँ पर आके चूज फाइल में क्लिक करके अपने अकाउंट का नेम और डेट ऑफ बर्थ से मैच होते हैं कोई भी एक ऐसा आईडी कार्ड चूज करके सबमिट कर लेना होगा। कुछ इस तरह से आपको सबसे पहले तो आईडी कार्ड कुछ इस तरह से बस सबमिट करना होगा। सबमिट करके अगर आपके पास कुछ इस तरह से पर आ जाती है, मतलब नो लॉन्गर अवेलेबल आ रहा है, तो आपको यहाँ पर हेल्प में क्लिक करके अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देना होगा। लॉग आउट करके आपको वेट करना होगा, कम से कम 8 से 10 दिन तक वेट करना होगा। तो भाई देखो ऐसे में कुछ अकाउंट का ऑप्शन चेंज हो जाती है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अभी के टाइम में ज़्यादातर अकाउंट का ऑप्शन चेंज नहीं होता। सो अगर आपके अकाउंट को ओपन करने के लिए डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है तो आप इस ट्रिक से ट्राई करके देख सकते हो। ऐसे में कुछ 100% अकाउंट से 10% अकाउंट का ऑप्शन चेंज हो जाती है, लेकिन अभी के टाइम में 90% अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ से ऑप्शन चेंज नहीं होता। सो आप चाहो तो इस ट्रिक से ट्राई करके देख सकते हो। बाकी भाई देखो, फेसबुक मेरा या फिर आपका नेटवर्क नहीं, मेरा ट्रिक फॉलो करने से आपका अकाउंट का एकदम से ऑप्शन चेंज हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो आप इस ट्रिक से एक बार ट्राई करके देख सकते हो। सो अगर आप चाहते हो कि अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए मैं कोशिश करूँ तो ऐसे में आप मेरे साथ आप ट्विटर में ट्वीट कर सकते हो, ट्विटर में मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं ट्विटर में सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो गाइस आज का वीडियो इतना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला या फिर कुछ भी नया जानकारी मिला तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।